पार्टी होनी चाहिए। भरी गर्मी में नगर निगम क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के दावे बेमानी से नजर आते हैं। निगम अधिकारियों ने गर्मी शुरू होते ही ये दावे किए थे कि इस बार गर्मी में पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी, लेकिन पूरे फरीदाबाद में पीने के पानी की दिक्कत जगह जगह देखने को मिल रही है। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न आने के विरोध में सोना रोड स्थित जलघर में जाकर प्रदर्शन किया और खूब हंगामा भी किया। मौके पर स्थानीय पार्षद जयवीर खटाना और पुलिस बल भी पहुंच गया। जैसे तैसे लोगों को पानी की किल्लत दूर करने का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ में सोहना रोड स्थित जलघर का है, जहां सेक्टर 22 व 23 के लोग पेयजल किल्लत को लेकर हंगामा करने पहुंचे हैं। दरअसल कई दिनों से लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी लोगों की शिकायतों का कोई समाधान नहीं कर रहे। स्थानीय निवासी प्रवीण की माने तो पूरे फरीदाबाद में पानी की इतनी दिक्कत नहीं है जितनी सेक्टर 22 व 23 तथा संजय कॉलोनी में है। अधिकारी उनकी नहीं सुनते। पार्षद की माने तो पिछले 6 महीने से लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। देखिए, आज से 1 महीने पहले, वैसे तो लगातार यहाँ पर महीने भर में प्रदर्शन होते रहते हैं और हर साल होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर पानी का ज़्यादा संकट है वहाँ के लिए एक अच्छा बेहतरीन प्लान बनाए और उसको परमानेंट समाधान करे। अधिकारी सिर्फ मिसगाइड करने के अलावा कोई काम नहीं करते। आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे जब पूर्व दिशा है उसमें पानी की कोई समस्या नहीं या कोई जाम नहीं होते। जो पश्चिम दिशा है नेशनल हाईवे से वहाँ पर इतनी स्थिति खराब है कि लोग हज़ार हज़ार रुपये के टैंकर परचेज कर रहे हैं, और जो कि आप जानते हैं कि 250 रुपये या 220 रुपये से ऊपर हमारा फ्लैट रेट भी बिल नहीं है। आप समस्या बन रही थी पानी की करीब 6 महीने से, तो ऐसी स्थिति है कि जो लास्ट वाले आधे मकान है जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ तक तो पानी जा ही नहीं रहा है, और करीब 1.5 महीने से तो ये स्थिति आ गई है कि पानी बिल्कुल चार चार के दिन में, पांच पांच दिन में पानी पहुंच रहा है, जिनमें सेक्टर 22, 23, 23 से शिव कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, शहीद नगर, झुग्गियाँ, सेक्टर 52, सेक्टर 55, मतलब इनकी स्थिति खराब है। गोची, जिन लोगों ने, जिन गांवों ने अपनी ज़मीन दी डेवलपमेंट के लिए, डिपार्टमेंट को दे दी, भाई नगर निगम अपने आप तो बना नहीं, पंचायती ज़मीनें इनके पास चली गई, करोड़ों रुपये की इन्होंने बेची, इन्होंने सैलरियाँ दी, आज वो लोग, वो गाँव वाले पानी के लिए तरस रहे। इससे बेहतरीन तो पहले सिस्टम अच्छा था। वार्ड नंबर 4 है, समस्या सिर्फ पूरे फरीदाबाद में पानी की समस्या नहीं है, पानी की समस्या है सेक्टर 23, 22 और 23 ए में और संजय कॉलोनी। भाई ये छोटा सा एरिया जिसके अंदर सबसे ज्यादा समस्या पानी की, पानी आता है 4 दिन में 5 दिन में एक बार, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, कर रहे हैं, आगे और करेंगे, जैसे मार्गदर्शन होगा वैसा करेंगे। मेरी अभी सिविल प्रशासन SDM साहब से बात हुई है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर पक्का इस समस्या का समाधान करके देंगे, और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करूंगा उनके साथ। ये मेरा प्रॉब्लम आज मेरे पास पहली बार ये शिकायत आई है, जब मैं यहाँ पे आया उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया था और मैंने सिविल प्रशासन से बात करके, मैं अभी भी इन सबको आश्वस्त करता हूँ कि 10 दिन के अंदर इनसे बात करके इस समस्या का समाधान कराएंगे।